गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो गाइज आज मैं आपको दूंगा चपाती हिंदुस्तानी गेमर के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक, वो भी खतरनाक ग्राफिक्स के साथ। तो गाइज जैसा कि हम लोगों को पता ही होगा कि खतरनाक वन स्पॉट जिनका चैनल है वो खेलते हैं खतरनाक ग्राफिक्स में, तो वो मैंने ग्राफिक्स इसमें पॉकेट एडिशन में किए हैं। तो गाइज ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको खतरनाक वन स्पॉट का वर्ल्ड भी चाहिए तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मैंने डायमंड की तलवार पकड़ी हुई है, तो देखें कितनी अच्छी लग रही है ये। और ये आप बुश भी देख सकते हैं, पता नहीं क्या डेड बुश कहते हैं इसको, ये पता नहीं क्या कहते हैं। और ये साइड बाई साइड भी आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें तो सेम है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले गए जिया से, मैं आपको टूर देना शुरू कर देता हूँ कि किस तरह की चीज़ें लगती हैं सारी। और दुबई सिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने ये नए अपडेट नहीं देखे हुए तो आप वो देख लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा अंदर डाउनलोड लिंक में। तो ये सबसे पहले आपको याद ही होगा कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले एक बनाई थी विलेजर्स के लिए कॉलोनी। तो ये नीचे जाके मैं आपको डोर दिखा देता हूँ, ये आप डोर देख सकते हैं, ये है केशिया डोर। तो इसमें डोर काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के हैं सारे, मैं आपको एंड पे डोर भी दिखा दूँगा सारे जिस तरह के भी होंगे। तो मैं पहले आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं क्राफ्टिंग टेबल, जो भी ग्लो स्टोन फर्नेस, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, ग्लास भी आप देखें, बीकन का ग्लास देखें आप, एमरल्ड देखें आप, और नीचे पिस्टन टी एन टी डिस्पेंसर हॉपर सारी चीज़ें इस तरह की लगेंगी आपको। और ऊपर आप वो भी देख सकते हैं रेडस्टोन का ब्लॉक। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बाकी आप इसमें जाएंगे तो आपको मैग्मा ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, सोल सैंड और बेड रॉक आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा गाइस, ग्रे कलर का। तो अगर आप नीचे जाते हैं तो अगर आपको ये आए तो फिर आप समझ जाएगा कि ये बेड रॉक है, वरना इसमें पता नहीं चलता है, इसमें स्टोन जैसा ही लगता है बेड रॉक। उसके अलावा आप ये लॉग्स देख सकते हैं, उसके बाद आप ऊपर ग्रास ब्लॉक डेड देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ, ये वाला मैंने आपको दिखा दिया ना, हाँ, तो ये एक दफ़ा आप फिर से देख लें। ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे ब्लॉक्स देख सकते हैं, ब्लॉक ऑफ एमरल्ड, ब्लॉक ऑफ डायमंड, ब्लॉक ऑफ गोल्ड और इस तरह के सारी चीज़ें। तो गाइस यहाँ आप और भी ब्लॉक्स देख सकते हैं काफ़ी सारी, कॉबलस्टोन। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम सॉर्ट देख सकते हैं, नेदरराइट की हमें वैसी मिल देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद ये शवल में जाएंगे तो शवल आपको गोल्ड की वैसी मिलेगी और नेदरराइट की वैसी मिलेगी जैसे माइनक्राफ्ट में होती है, और हो भी वैसे ही है जैसे असली में होती है। और बाकी खाना जो है वो भी वैसा, शील्ड थोड़ी सी चेंज है, अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है जिस तरह रियल में होती है। और उसके अलावा खाना जो वैसा ही है जैसे होता है। उसके बाद मैं, आप रात हो गई है तो मैं आपको ऊपर से दुबई सिटी दिखा देता हूँ कि ग्राफिक्स में किस तरह की लगती है दुबई सिटी रात को। और गाइस देख सकते हैं कितनी कमाल की लग रही है ये दुबई सिटी ऊपर से देखने में, यहाँ से नीचे जो लाइट लगी हुई है हर जगह, तो लाइट लगाई हुई है चपाती गेमर ने ताकि मॉब्स भी स्पॉन ना हो और ऊपर से देखें तो सिटी भी अच्छी लगे। तो गाइस उसके बाद नीचे चलते हैं हम, और यहाँ से नीचे जाके गाइस आपको यहाँ से और चीज़ें दिखा देता हूँ अंदर जो हैं। और इससे पहले ऐसा करते हैं सो जाते हैं, फिर सुबह होगी तो फिर मैं आपको जाके ऊपर से चीज़ें दिखा दूंगा बाकी। और यहाँ पे आप अंदर से घर देख सकते हैं, यहाँ पे बेड नहीं है, मैं भूल गया था ऊपर बेड है। तो इससे अच्छा मैं टाइम से डे कर लेता हूँ सोने से अच्छा। तो अब देख सकते हैं यहाँ आप शुगर केन लगा हुआ है बाहर, फेंसेज भी थोड़ी सी चेंज है इसमें, जैसी उनकी खतरनाक वन स्पॉट की होती है उस तरह की नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े से फेंस जो है वो रियल टाइप की बनी हुई है लेकिन उस तरह की नहीं होगी। पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान गेमर लॉगी का घर, साइड पे लॉगी का घर, और ये है लॉगी का वेयर हाउस, यहाँ पे लॉगी का पोर्टल। और गाइज ये दो वो घर हैं जिनमें उन्होंने बिल्ड बैटल किया था, और ये साइड पर छोटा जो आप देख सकते हैं और ये बड़ा, ये उन्होंने बिल्डर से बनवाया था। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा घर है, तो इसको आप डाउनलोड करके आप खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और साइड भी जाएंगे तो साइड पर आपको और भी घर नज़र आएंगे, ये है उनका पैरट हाउस, इसके अलावा ये है उनका कैट हाउस, और सामने आ जाता है उनका डॉग हाउस। और इधर चलें तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा ये घर जो उन्होंने बनाया हुआ है डायमंड का। और उसके अलावा गाइस मैं आपको चीज़ें दिखानी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है ग्लास मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लास किस तरह का लगता है। गाइस ग्लास से पहले मैं आपको यहाँ से डोर भी दिखा देता हूँ, अगर डोर आप इन्वेंटरी में से देखेंगे तो आपको सिंपल से ही लगेंगे, लेकिन जब आप बाहर निकालेंगे इनको रखेंगे ज़मीन पर तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर बाकी दो भी निकाल के रख देते हैं, इनको मैं नीचे फेंक देता हूँ, फिर पकड़ लेता हूँ यहाँ से, और आप नीचे से पकड़ लेते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ, एक कैक्टस भी आपने देख लिया होगा कितना अच्छा है। तो अब मैं इधर जाके आपको दिखा देता हूँ कि डोर किस तरह के लगते हैं, इन्वेंटरी में आप पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेंगे जैसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब आप इनको रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे हो गए हैं। और ये आयरन वाला आप देख सकते हैं, इसके बाद बिर्च डोर, और इसको सही करके लगा देता हूँ। और यहाँ पर आ जाता है जंगल डोर, ये आगे लग गया, इसको पीछे की तरफ लगा देते हैं। इसके बाद आ जाता है एकेशिया डोर, और इसके बाद है डार्क ओक डोर। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफिक्स इनके चेंज मिलेंगे, जब आप ये नेदर वाले रखेंगे दो तो ये आपको बिल्कुल वैसे मिलेंगे जैसे नॉर्मल होते हैं ये,
बस थोड़े से इन पे शेडर्स के जो है वो शेड पड़ रहा है, इसी वजह से थोड़े से आपको लाइट देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सारे वैसे ही हैं ये दोनों। और इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ दरवाज़े सारे। आयरन वाला जो है उसके लिए आपको बटन चाहिए होगा साथ, और बटन भी मैं आपको दिखाऊंगा, बटन के भी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें। और ये है जंगल, ये है अकेशिया, उसके साइड भी बर्च आ जाता है, ये है आयरन डोर, ये है स्प्रूस डोर, जो कि आयरन डोर इस तरह नहीं खुलेगा। तो मैं अंदर से बटन पकड़ लेता हूँ, पहले यहाँ से बटन ले लेता हूँ, बटन के ग्राफिक्स भी अच्छे हैं काफ़ी। और यहाँ से बटन पकड़ के बटन जो मर्ज़ी ले लें, और यहाँ से देखें बटन भी इस तरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसमें। तो चलें गाइस आज की वीडियो में काफ़ी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो भी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको दुबई सिटी खतरनाक ग्राफिक्स में कैसी लगी। और गाइस नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको और किस किस वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक चाहिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, गुड बाय।